दोस्तों, आज मैं आपको हरिद्वार की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती धर्मशाला दिखाने आया हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता, ये देखिए। और मैं आपको कमरा भी दिखाऊंगा। और बहुत ही सस्ती धर्मशाला है, आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी सस्ती धर्मशाला है। मैं आपको रूम के अंदर लेकर के चलता हूँ और रूम की फैसिलिटी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप जब देखेंगे तो चौंक जाएंगे। आप सभी से निवेदन करूँगा कि शेयर अवश्य कर देना, ताकि और लोग भी इस जानकारी को जान पाएं। मैं आपको यहाँ की पूरी जानकारी दूंगा कि क्या कॉन्टैक्ट नंबर है इस धर्मशाला का, और आपको इसका रेट भी बताऊंगा, क्या रेट है, कितने रेट में पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है, इस धर्मशाला में आपको खाना पीना सब फ्री मिलता है। आप देख सकते हैं, यह 3 बेड रूम है। आप देख सकते हैं, एक बेड इधर है, एक बेड इधर है और एक बेड इधर है। और आपको इसमें आपकी सुंदरता देखिए, होटल भी इसके सामने फेल है। 5 स्टार यह धर्मशाला है। आपको एक अलमारी भी मिलती है, एसी भी मिलती है, और आपको टीवी भी यहाँ पर मिलती है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इसकी बाथरूम है। बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जान पाएं, ये हरिद्वार की सबसे सस्ती धर्मशाला है। मैं आपको इसका रेट भी बताऊँगा, क्या इसका प्राइस है। और मैं आपको बालकोनी भी दिखा देता हूँ। ये बालकोनी भी बहुत ही सुंदर बालकोनी है, आप देखिए। आपको मैं दिखा देता हूँ, बालकोनी भी काफ़ी सुंदर है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल देखिए नज़ारा यहाँ का, ये यहाँ का नज़ारा। ये बालकोनी मिलती है आपको काफ़ी बड़ी, आप यहाँ पर आराम से खड़े हो सकते हैं, देख सकते हैं। आइए मैं आपको इसका एड्रेस बता देता हूँ, क्या एड्रेस है, जिससे कि आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। शेयर अवश्य कीजिएगा। अब मैं आपको पहले इसके प्राइस बता देता हूँ। हम 3 जने यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। 1500 रुपये में ये धर्मशाला हमें मिली। और 1500 रुपये में, आप सुन लीजिए, 1500 रुपये में आपको दोनों समय का खाना मिलेगा और आपको नाश्ता भी मिलेगा। आप सोच सकते हैं, अगर आप 3 जने स्टे करते हैं तो उसमें आपको खाना भी मिल रहा है, तो कितना सस्ता मिल रहा है 1500 रुपये में। और 3 जने आप यहाँ पर, 4 जने 1600 रुपये में स्टे कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का एड्रेस क्या है इस धर्मशाला का, जिससे कि आप यहाँ पर आसानी से, और ये आपको लैंडलाइन नंबर भी, यहाँ पर लैंडलाइन भी मिलता है, जाके आप बात कर सकते हैं। इसका एड्रेस जो है, भूपतवाला, जो भारत माता मंदिर है उसके बिल्कुल ये नज़दीक पड़ती है धर्मशाला। आप देख लीजिए कितनी सुंदर यह धर्मशाला है, काफ़ी सुंदर यह धर्मशाला है। और इस धर्मशाला का नाम है नकलंक धाम। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, नकलंक धाम इस धर्मशाला का नाम है। और भूपतवाला जो भारत माता मंदिर है उसके ये नज़दीक पड़ती है। और मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ, आपको जो कार्ड है जिससे कि आप आसानी से इसे ढूंढ सकें। ये देखिए, ये इसका जो है नकलंक धाम जो है, इनका विजिटिंग कार्ड है। आप देख सकते हैं, इस पर नंबर भी डला हुआ।